कृष्ण कहते हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों का विनाश बाद में बोला ऋषि ने, पहले बोला परित्राणाय साधुनाम, जो साधु है, जो सज्जन है, जो अच्छे लोग हैं, उनका संरक्षण। कोई व्यवस्था नहीं चल सकती जब तक आप चोर उचक्कों को से उनकी रक्षा नहीं करेंगे जो सज्जन है। और यहां मैं शासन की भूमिका मानता हूं, पॉलिटिकल लीडरशिप, किसी की सरकार हो। अशोक जी तो बड़े धार्मिक आदमी भी हैं, वो जानते हैं कि भारत में साधु मतलब बाबा नहीं, साधु मतलब अच्छे प्रवृत्ति वाले लोग, उनके संरक्षण का जिम्मा हमेशा शक्ति केंद्र के पास रहा है। फिर चाहे वो कृष्ण आए हो, चाहे परशुराम आए हो, चाहे राम आए हो, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसीलिए ना कि भले लोग जिंदा रहें, भलों को जिंदा कमजोर आदमी नहीं रख सकता ना। मारीच त्रिजटा सुबाहु, इनसे कौन बचाएगा? हम और प्रमोद गोस्वामी थोड़ी बचा लेंगे भैया। उसके लिए मंत्री चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए, कलेक्टर चाहिए, कप्तान चाहिए, और उनका संरक्षण फिर हो। क्योंकि ऐसे ऐसे मंजर देखे हैं हमने, सारी बातें कहना भी उचित नहीं होता, लेकिन बड़ा विद्रूप चेहरा देखा है मित्र। इसलिए जब कोई मुझसे बहस में उलझता है कि तो ना ना जी ऐसा नहीं, आप ऐसा मत बोलिए पॉलिटिकल लोगों के लिए और ब्यूरोक्रेट, तो मैं इतनी बात तो मानता हूं कि सब खराब नहीं, लेकिन ये मेरा दृढ़ मत है बहुत सारे खराब।